अगर आपकी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में से कोई एक है, यानी अगर आप आर्थ साइन से बिलोंग करते हो, सो चलिए देख लेते हैं आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है, नियर फ्यूचर आने वाला टाइम लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। सो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। देख लेते हैं, यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, फाइन, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। देख लेते हैं बॉटम द डेक, सो बॉटम द डेक में है एस ऑफ कप्स, सो बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो बहुत जल्द यानी आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ के साइड से आपका जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरा होने वाला है। एक ब्लेसिंग्स, एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी आपके लव लाइफ में एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे, एंड इस ऑफर के दौरान आपको बहुत ज्यादा सुकून भी मिलने वाला है, कहीं ना कहीं आपका विश का फुलफिलमेंट होगा। ओके, सो ये बॉटम द डेक है, तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या क्या बात है, देख लेते हैं। फर्स्ट तो दिख रहे हैं आपके मन में ऑलरेडी कोई एक इंसान है, बचपन का दोस्त हो सकता है या फिर पास्ट लाइफ का कोई आपका सोल पार्टनर हो सकता है जिनके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो अनकॉन्शियसली, या फिर किसी एक इंसान के साथ आपने शायद किसी एक टाइम पर बहुत सा अच्छे से कम्युनिकेट किया था, अच्छे से बातचीत किया था, एंड उसके दौरान उस इंसान को ना आप धीरे धीरे से प्यार करने लगे थे, या फिर आपके मन में एक सॉफ्ट फीलिंग्स क्रिएट हो गया था उस इंसान को लेकर, बट टाइम के चलते आप दोनों फिजिकली दूर चले गए थे, तो जिसकी वजह से बात कुछ ठीक से नहीं बन पाई थी। ऐसा कुछ मसला दिख रहे हैं कुछ लोग के लिए, यानी आपका अगर कोई क्रश है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है, तो आने वाले टाइम में आप उनके तरफ दौड़ने वाले हो, उनको टारगेट करके बहुत सारे एक्शंस डिसीशंस लेते हुए दिख रहे हो। सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा उस टाइम पर कि आपको लगेगा कि हाँ आप दौड़कर उस इंसान को या फिर उस गोल को अचीव कर सकते हो, बट ये आपका थॉट्स होगा। इस रिलेशनशिप का ना कोई बेस नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके मन में चलेगा। ये जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हैं, ये जो आपका दौड़ना है सक्सेस को अचीव करना है, ये आप मन से सोचते हुए दिख रहे हो। क्या आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि हाँ चलो उस इंसान को प्रपोजल दिया जाए, या फिर ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, अपने लव लाइफ को स्टेबल किया जाए? तो ऐसे में मुझे दिख रही हैं आपके मन में तो फीलिंग्स हैं, बट आप जिनके तरफ जाओगे उनके मन में आपके लिए उतना फीलिंग्स नहीं रहेगा, क्योंकि टू साइडेड लव नहीं दिख रही है, वन साइडेड लव दिख रही है यहाँ पर। उस इंसान को, उस इंसान के जो मेमोरीज है, ख्याल है, उसको आप अपने पास ना सेव करके रखना चाहोगे, बट इसके दौरान यानी इस सिचुएशन के चलते आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डाउनवर्ड चला जाएगा, यानी थोड़ा सा फीलिंग्स जो हैं वो थोड़ा सा सैड फीलिंग्स आ जाएगा आपके अंदर, यानी लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में आप थोड़ा सा कम बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे। तो उसी टाइम पर मुझे दिख रहे हैं एक मैजिकल सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। ये जो बॉटम ऑफ द डेक से मैंने आपको बताया था ना कि ये जो ऑफर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाला है, ये गॉड ब्लेसिंग्स यानी गॉड की तरफ से ही ऑफर अपॉर्चुनिटीज आएगा, आपके लव लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। तो अचानक से किसी एक पर्सन का एंट्री आपके लव लाइफ में मुझे दिख रही है, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं आपके घर वाले ही आपके लिए ले आएंगे, या फिर हो सकता है कि आपके घर वाले के किसी इंसान के थ्रू आप उस इंसान के साथ मीट करो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ के साइड से आपके जिंदगी में, आपके लव लाइफ में आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके घर के हर एक मेंबर्स बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, यानी आपके सपोर्ट में आपके परिवार खड़ा रहते हुए दिख रहे हैं, एंड उनके तरफ से जो रिश्ते आपके पास आएंगे वही आपके लिए एकदम से प्रॉपर रहेगा, एकदम से 100% करेक्ट रहेगा। ओके, सो उसके दौरान ही आपका एक फैमिली क्रिएट होता हुआ दिखेगा, आपको शादी होता हुआ दिखेगा, एंड कुछ स्टेबिलिटी, कुछ बैलेंसिंग सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ दिखेगा। अगर आप अपने फैमिली को पीछे छोड़कर या फिर अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ फैसला करते हो, तो यहाँ पर सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। सो आपके लव लाइफ में किसी एक पर्सन की एंट्री अभी से लेकर 6 से 10 महीने के अंदर ही दिख रही है। तो आपके लव लाइफ में ये जो मैजिकल सिचुएशन है ये क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम अभी भी है, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ओके, सो आपका लव लाइफ ओवरऑल पॉजिटिव दिख रही है एंड बहुत ज्यादा अच्छी भी दिख रही है। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें, अगर कुछ पूछना चाहते हो डेफिनेटली पूछ सकते हो, यस और नो में आंसर आ सकता है।
देखो यहाँ पर 100 में से 10% लोगों को उनका जो क्रश है ना उनके तरफ से ये प्यार यानी बचपन का जो प्यार है वो मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट 90% लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी गलत है यानी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर है कम्युनिकेट क्लियरली, फाइन। सो देखो लव लाइफ के लिए आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन के द्वारा ही चीज़ें सुधरता हुआ आपको दिखेगा आपके लव लाइफ में, क्योंकि कम्युनिकेशन के दौरान ही ये जो इंसान है ये आपके लव लाइफ में एंटर करेगा। इस इंसान को आप पाओगे क्योंकि ये पर्सन आपके लिए अननोन है। सो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है लोगों से। यहाँ पर है डोंट स्टॉप, सो आपको हाल नहीं छोड़ना है किसी भी चीज में। कुछ भी हो जाए लव लाइफ के साइड से, सिचुएशन कैसा भी क्रिएट हो, कितना भी प्रॉब्लमेटिक क्यों ना हो या फिर कितना भी बर्डन्स क्यों ना आपके लाइफ में चला आए, आपको हाल नहीं छोड़ना है। डोंट स्टॉप, आपको एक्शन लेते जाना है, प्रयास करते जाना है। सो आपका जो ये बंदा है या फिर बंदी है आपके लव लाइफ में जरूर से जरूर बहुत ज्यादा जल्दी से एग्जिस्ट कर जाएगा, बट इतना भी जल्दी नहीं है। ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। सो आपका रीडिंग ओवरऑल पॉजिटिव दिख रही है। बाय।